जैसा कि देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अब ट्रॉट फिश फार्म पे। अब हम फिश देखें थोड़ी सी, क्योंकि हमें बहुत चलना पड़ा है यहाँ से, इट्स अराउंड 2 किलोमीटर्स, तो इसमें थोड़ा मज़ा आता है। आप लोग जंगल एक्सप्लोर कर लेते हो अच्छे से, कि जंगल का माहौल, वो गहरा जंगल जिसको कहते हैं, हम जंगल देखते हैं जिसमें प्रोटेक्शन भी है, बाकी चीज़ें भी है और मज़ा भी है। यहाँ पे आपको बर्ड्स मिलते हैं, कभी कभी खूबसूरत रंग के बर्ड्स आपको नज़र आएंगे, पहाड़ का अलग व्यू है, पानी का अलग व्यू है। और अब हम फिश को एक्सप्लोर करेंगे। फिश तो हम देख चुके हैं एक्वेरियम में, बाकी में, मगर उनके नेचुरल हैबिटेट में आज हम उनको देखेंगे कि कैसी लगती है। चले आए, तो हम यहाँ पे ट्राउट फार्म पे हैं अब अंदर, एंड यहाँ पे ये ट्राउट जो हैं वो रियर की जाती हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फिश जो हैं छलांगे भी मार रही थी। ये इनका एक कह सकते हैं एक कैनाल टाइप है जहाँ पे इनको रियर किया जाता है। और ये यहाँ से मेरी राइट साइड से अंदर ले जाए तो सो गाइस यू आर इन फॉर अ ट्रीट, बिकॉज हमारा कैमरा अभी अंदर जाने वाला है इनसे गुफ्तगू करने। फिश फार्म एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत सारे जो हमारे टैंक्स हैं, फिश टैंक्स, तो ये वाले टैंक्स जो हैं, अभी आपने देखा स्मॉल फिशेज हैं यहाँ पे, इन तीन टैंक्स से चार टैंक्स हैं यहाँ पे। और थोड़ा वहाँ की तरफ जाऊँगा अगर मैं, कि बहुत ही अच्छा व्यू है। कुछ जो है वो सरफेस पे भी आती हैं, काफ़ी बड़ी 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 फिशेज इस वाले पानी में हैं, काफ़ी बड़ी फिशेज। तो ये था हमारा जो ये फिश फार्म है वो, और अभी हम आगे बढ़ेंगे आगे की तरफ, वी गो मोर डीप और डीपर इन द जंगल। तो अब हमें पहला जानवर एक मिलने वाला है आगे, जिसको बोलते हैं बालू मामा। आप सब बोलते होंगे ये ब्राउन बियर है, और सबकी एक्साइटमेंट होती है हम बालू देख के, क्योंकि एक नेचुरल हैबिटेट में बालू को एक्सप्लोर करना, बाकी चीज़ें वो भी जंगल के बीचों बीच वो फील लेना। तो बहुत चलने के बाद हम एक बालू से मिलने जा रहे हैं, तो उनका हालचाल पूछते हैं और हम उनको बिल्कुल पास ले जाएंगे आपको उनके। बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है ये। सो दिस इज द फर्स्ट वन जो एनिमल हमें मिला, एंड इज इन हिज केज, एंड यू नो पहले ही बता देना चाहता हूँ, really looks like a huge huge teddy bear, this grizzly brown bear. Let's see, and it's a selfie uthaye, look at him, bhai darao mat isko, and I think he's shy, so call me sahib, to iska naam sahib hai is bear ka, sahib nikle hai. साहेब खाना है? बिल्कुल खाएगा। सो द मोस्ट फेयरसम इन द वर्ल्ड, एंड ब्राउन बियर ज़्यादातर कश्मीर में पाए नहीं जाते हैं, ब्लैक बियर पाए जाते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई दिस गाय इज काइंड ऑफ अ स्पेशल एनिमल बियर। So I don't think this is all disturbing our camp. He's really bored by seeing a lot of people like us. So ये जो brown bear है, इसका ये एक जो cage है, and unfortunately, yeah, जैसा भी आप कह सकते हैं, तो ये area इसको दिया गया है, ये इसका एक rooms type है, वहाँ पे inside जो है अंदर ये I guess सोता होता होगा। But यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि this bear, it's known as the most fearsome bear, sabse dharavna bear hai, but look at him right now, it's
लाइक ये एक बड़ा सा टेडी बेयर अभी दिख रहा है, ही इज़ नॉट इवन मेकिंग अ साउंड और एनीथिंग एंड आई होप ही डज नॉट, एंड अभी ये वापस जा रहा है. सो काइंड ऑफ यू कैन सी देयर इज़ अ लैक ऑफ एनर्जी जो ये दिखा रहा है. इसके जो शोल्डर्स होते हैं ना, वो शोल्डर्स इससे ही पूरी अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है. अराउंड 136 to 190 kgs वेट होता है इसका. अभी वापस जा रहा है अपने केव में. Look, he's going back. So, like, you know, he knows we are here and we are taking the videos, and you can see it in his eyes. But you know, अगर ये एक जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो आई थिंक अभी तक हमारा कीमा बन चुका होता. बट या यू कैन से एक अच्छा लगता है विजिट करके, बट एक वो फीलिंग आती है कि दे शुड नॉट बी इन अ प्लेस लाइक दिस एंड दे शुड बी इन द वाइल्ड. सो एनी वे वी आर गोना मूव फॉरवर्ड. आई थिंक ही इज बोर्ड ऑफ अस. Yeah. So यहाँ पे कुछ सड़क पे गिरे हुए हैं पेड़ पे. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग खासतौर पर इन ऐसे जंगल में ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले आई थिंक जो हमें डूज़ एंड डोंट्स मिले थे उसका पहला उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि यू डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ दिस प्लेस. यू हैव टू रेस्पेक्ट द जंगल, यू हैव टू रेस्पेक्ट द सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब है ज़्यादा शोर गुल यहाँ करना अच्छी बात नहीं है. लुक हाउ काम इट इज़, हाउ पीसफुल इट इज़, एंड इट्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज. लेट अस शो यू समथिंग व्हिच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और बहुत खूबसूरत है वो चीज़. क्या चीज़? जस्ट आने वाली है. अच्छा, कुछ और भी आने वाला है क्या? सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का. ऑल दो हमने सिर्फ अभी एक जानवर देखा वो भी केज में. नहरें जो हैं वो बह रही हैं एंड बीच में हम चल रहे हैं. रियली रियली गुड. एक बात की बस डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि जो कश्मीरी स्टैग हांगुल हमें देखना था वो पॉसिबल नहीं हो पाया देखना. इस टाइम उसका सीज़न नहीं होता. बट लेट्स सी, आई थिंक आगे हम कुछ लेपर्ड्स एंड सम ब्लैक बियर्स वो भी देखने वाले हैं, बट अगेन इन देयर केजेस. जंगल में देखना पॉसिबल भी नहीं है. एंड ये यहाँ पे एक छोटा सा हिल है लेफ्ट साइड में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ वेरी यू नो डेंस फॉरेस्ट. और जहाँ तक हमारा वो एंट्री पॉइंट था या जहाँ तक हमें परमिशन थी जाने की, वहाँ वहाँ तक जो है ये बस स्टार्ट है फॉरेस्ट का. ओह, हिल रहा है भाई. तो वहाँ तक बस फॉरेस्ट की, जहाँ तक हमें परमिशन मिली तो बस स्टार्ट था 2-4 kilometers ही. बट इट गोज़ रियली डीप इनसाइड. यहाँ पे काफ़ी जो ये हिल्स हैं आगे वो भी इसी का पार्ट हैं. और जो डियर वगैरह हैं उनको बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है उनके ही हैबिटेट में, तो वहाँ तक जाना भी पॉसिबल नहीं था. एंड हियर वी आर. आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रेस्क्यू एंड हैबिटेशन सेंटर. यहाँ पे रेस्क्यू करके एनिमल्स को लॉज होता है रखा जाता है. और जिस एनिमल से हम मिलने जा रहे हैं हमने आपको उससे बचने के थोड़े से टिप्स भी बताए हुए हैं. तो अगर आपको बादशाह ही माना जाता है तो कश्मीर में मोस्टली पाया जाता है. That is here, you can see the board. So, this is leopard. This is it, the leopard enclosure. And यहाँ से वही जो भी rescue किए जाते हैं. Recently, श्रीनगर में एक जगह बाजू मेहसाब में एक leopard पाया गया था. And बहुत ही खलबली मची थी वहाँ पे पूरे इसमें पूरे एरिया में बंद किया गया था लोगों को घर के अंदर.
सो ये लपड़ जो होते हैं बड़े शातिर होते हैं, तेज़ होते हैं, एंड दे हैव अ शार्प आई। ये अपने आप को इस जंगल में छुपा भी सकते हैं, नज़र भी नहीं आते, एंड विद इन सेकेंड्स पता भी नहीं चलता है कब आपके सामने हाजिर होते हैं। इस बार तो अब हम जा रहे हैं इनके जो इन्होंने एक थोड़ा सा केज वेज बनाया हुआ है। सो लेट्स सी, सो आई कैन स्मेल देम फ्रॉम हियर। कहीं दिखा? ओके, सो ये वहाँ पे जो है रेस्ट कर रहा है एंड ये सोता हुआ, उसके हमें यहाँ मास्क की ज़रूरत है। एंड अगेन यू कैन सी, जैसा हमने उस बेयर के साथ देखा था, ये गुर्रा रहा है बट सोया है, ये सोते बहुत ज़्यादा है। एंड एक वहाँ ऊपर है, और कौन सा दिखा था वहाँ पे? चलते रहे। सो ये इसका केज है, इसका एज कम्पेयर टू द बालू बहुत बड़ा केज है। एंड दिस शोज के जो ऊपर जंगले वंगले हैं कि, और पेड़ भी रखे हुए हैं, दे आर गुड क्लाइंबर्स, सो दे कैन क्लाइंब दीज ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स इन द फॉरेस्ट्स वेरी इजीली। एंड वाओ, तो व्यू भी यहाँ का ज़बरदस्त है। सो ये जो पीछे वाला एरिया है, दिस इज़ द रिजर्वायर ऑफ द हारवन, एक्चुअली हारवन बाग का वो रिजर्वायर है वहाँ पे। एंड डोंट ट्राई टू फीड देम लिखा हुआ है यहाँ पर। कहाँ पे? ऊपर। ओ ये देखो, ओ मैन ये दान दिखा रहा है, मैं बुढ़ा लग रहा हूँ। बाय बाय टू द लेपर्ड केज एंड दीज फेंसेस आर इलेक्ट्रिफाइड। तो ये बालू वाला रीजन है, डोंट टीज द बेयर, इट्स एन ऑफेंस। मुझे इतना ही है। नहीं वो अभी वो देखना है ना आपको, आ जाए यहाँ से देखते हैं। हिमालयन ब्लैक बेयर, बस सो दिस इज द गैलरी जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि गैलरी है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयर्स, पोलर बेयर, ब्राउन बेयर, अमेरिकन ब्लैक बेयर। वहाँ जाना नहीं, वाइल्ड लाइफ एस ओ एस। यहाँ पे हमें एक मिला हो, दिस देयर इज द वन अमेरिकन, द हिमालयन ब्लैक बेयर, रियली क्लोज मैन। एंड लाइक अदर एनिमल्स ही इज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड, बट काफी क्लोज है। झपटा भी मार सकता है ये, पलक झपकते ही। And he's sleeping. It's really huge. Look at the view there. Wow. Mountains. And हमने पूरा एरिया जितना भी परमिशन था वो सब हमने एक्सप्लोर कर लिया है। So, what do you feel? What are your final comments on this exploration? This is a wonderful place to watch. Mostly the animals, more or animals you can just walk through the natural habitat, the forest, which is wonderful. Also interesting thing here that you can see surrounded by mountains, hills, yes. And the river passes by. Look at that leopard, he's trying to aim here.
वीडियो में दिख रहा होगा वो द पोजिशन ही इज़ लाइक अभी वो झपटने वाला है वो। आओ beautiful, he is watching and they can remain incredibly still ek hi position pe for long durations of time, but inme wo freshness nazar nahi aati jo ek jungle mein honi chahiye ya hoti hai, because they are used to this environment, they are not using their natural skills, तो इसी वजह से काफ़ी ये दे आर वेरी अनइंटरेस्टेड अनएक्टिव यू कैन से इनएक्टिव यू कैन से, बट एज दे आर सेइंग कि दीज आर ब्रॉट हियर टू गेट रेस्क्यूड एंड लेटर दे आर जस्ट टेकन बैक टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। सो फाइनली वी आर हेडिंग बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आफ्टर a very tiring journey through this forest and park. So overall it was a really good tour, you can say. Bahut cheeze humne dekhi, bahut cheeze seekhi, but one thing you know I can say ki jo bhi animals hai, khas taur pe wild animals, they look their best, or they look to, or they are in their glory or in their prime when they are in their natural environment and not in the cages. But यहाँ पर इनका एक बहुत ही अहम रोल है जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, बिकॉज ऑल दीज एनिमल्स चाहिए चीता और बेर जो भी हैं, तो इनको रेस्क्यू किया जाता है, यहाँ पर लाया जाता है एंड आफ्टर उनकी जो भी चीज़ें हैं उन सबको ठीक करके, जो भी इनको इंजरी आई होती है या कुछ, फिर वापस इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है। तो उस हिसाब से इट्स अ ग्रेट थिंग दैट दे आर डूइंग एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट, होप यू लाइक्ड इट, एंड इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच एक्साइटिंग व्लॉग्स सच एज दिस। हियर इज फ्रॉम वाइल्ड फॉक्स।